www.attableeg.com, the reviver of Iman. Alhamdulillah Rabbil Alameen wa salatu wa salamu ala Sayyidil Anbiya wal Mursaleen wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. A'udhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wa qala alhamdulillahi alladhi hadana li hadha wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. सदकल्लाज़ीम वाजिब तकरीम अलमाए किराम बुज़ुर्गों भाइयों दोस्तों अज़ीज़ों, ये जन्नतियों का कलाम है जो मैंने आयत पढ़ी। ये जन्नतियों का कलाम है, जब जन्नती लोग जन्नत में जाएंगे तो ये जुमला कहेंगे आपस में। वकालो, ये कालो का फ़ाइल जो है जन्नती है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहादा, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए जिसने हमको हिदायत दी थी। अगला जुमला जो है, वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, ये जुमला गौर तलब है। जन्नती जन्नत में जाएंगे तो यूं कहेंगे, ए अल्लाह, मेरी अकल की वजह से मैं जन्नत में नहीं आया, मेरी साइंसी तरक्की की वजह से मैं जन्नत में नहीं आया, मेरे आमाल की वजह से मैं जन्नत में नहीं आया, इनमें से किसी चीज की वजह से मैं जन्नत में नहीं आया। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह, अल्लाह हिदायत न देता तो मैं हिदायत पे नहीं आ सकता था। अल्लाह ही ने मुझे जन्नत अता फरमाई, उसी ने हिदायत दी। वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। मेरे बुजुर्गों, जिंदगी दो है, एक महदूद जिंदगी है जिसमें हम चल रहे हैं और एक तवील जिंदगी है जिसके कोई इंतहा नहीं है। महदूद जिंदगी कुरान में अल्लाह यूं नकल करता है, बल इद्दारक इल्महुम फिल आखिरा बल हुम फी शक मिनहा बल हुम मिनहा अमूम। ये अल्लाह के बागी नाफरमान, अल्लाह ताला के दूर रहने वाले, अल्लाह को न मानने वाले क्या कहते हैं, शक में है कि क्या मरने के बाद जिंदा भी होंगे। फिर शक के मिना, बल्कि बलहुम मिना, अंधे हैं ये लोग आखिरत से, बिल्कुल अंधे, इन्हें कुछ पता नहीं है कि दोबारा जिंदा होना है हमको, अल्लाह से हाजिरी देना है। और इसके मुकाबले में एक मोमिनों की जिंदगी है, मोमिनों की जिंदगी वबिल आखिरत हुम योकिनून, कैसे प्यार से अल्लाह कह रहा है वबिल आखिरत हुम योकिनून। ये मोमिनीन जो हैं सिर्फ आखिरत की मालूमात नहीं रखते, यकीन रखते हैं। सिर्फ ये नहीं है कि हमें सिर्फ इल्म है कि दोबारा जिंदा होना है, बल्कि यकीन है हमें वबिल आखिरत हुम योकिनून। और उसी पर अल्लाह कहता है उलाइक अला हुदा मिन रब्बिहिम व उलाइक हुमुल मुफ्लिहून, यही हिदायत है, यही फलाह पाने वाले। इसीलिए कुरान करीम में अल्लाह ताला ने एक जगह और फरमाया कि वो लोग जो मन अराद अल आखिरत व सअ लहा सअयहा, कुरान की आयात जो है ना, सिर्फ उसको जाहिरन देख लो तो भी दिल को तड़पा देती है। मन अराद अल आखिरत, जिसका इरादा आखिरत का है, वसअ लहा सअयहा, और कोशिशें आखिरत के लिए की, दुनिया कमाने से मना नहीं, लेकिन दुनिया आखिरत बना दो। दुनिया आखिरत कैसे बनेगी? दुनिया आखिरत बनेगी कि कमा रहे हैं और नमाज की फिक्र है, जॉब पर हैं, दुकान पर हैं, कारोबार पर हैं, फिक्र नमाज की के वक्त पर मेरी नमाज हो जाए, फिक्र हलाल कमाई की, फिक्र मेरी कमाई में से अल्लाह का भी हिस्सा है, मुझे उसको भी देना है, फिक्र इस बात की है कि मेरा माल उसी का दिया हुआ है, मेरा नहीं है, तो उसका दिया हुआ उसको भी मैं दूं। मन अराद अल आखिरत वसअ लहा सअयहा, उसके लिए कोशिश की, शर्त यह है वह हुआ मोमिन।
शर्त यह है मोमिन हो। फौलाइका कान सअयुहुम मशकूरा। हमारे हजरत अक़दस थानवी रहमतुल्लाह अलैह मशकूर का तर्जमा फरमाते हैं, हम उसके काम की बड़ी कदर करेंगे। कैसा प्यारा तर्जमा है, हम उसके काम की बड़ी कदर करेंगे। किसकी कदर करेंगे? इस छोटे से इंसान की, जो पेशाब करने वाला, जो टॉयलेट करने वाला, जिसके बदन में गंदगी, खून दौड़ रहा है, गंदा है, लेकिन फरमाया अगर तुमने मेरी आखिरत के काम किए तो मैं तुम्हारे कामों की कदर करूंगा। और दुनिया में जब कोई किसी की कदर करता है तो उसको पैसे देता है, दौलत देता है, और अल्लाह जब कदर करता है तो लाफानी जन्नत अता करेगा। फौलाइक कान सअयुहुम मशकूरा, उसकी कोशिशें हमारे वहां कदर की नजर से देखी जाएगी। कैसी बड़ी चीज अल्लाह ताला फरमाते हैं, तो फिर हम क्यों न करें उसके लिए, हम उसके लिए क्यों न करें उस रब के लिए। फौलाइक कान सअयुहुम मशकूरा। हदीस शरीफ में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन कानत नियतहु तलबुल आखिरा जअलल्लाहु गिनाहु फी कल्बिही। मन कानत नियतहु तलब, जिसकी नियत आखिरत की तलब है, मेरी आखिरत बन जाए, ये तो एक महदूद जिंदगी है। मैंने किसी जगह इस महदूद जिंदगी की मिसाल दी, मैंने कहा देखें हम जब कहीं सफर करते हैं, मसलन फ्लाइट से हमको जाना है, तो फ्लाइट में तबीयत के मुताबिक बैठना भी नसीब नहीं होता, छोटी सी सीट है, उस छोटी सी सीट पर अपनी करवट भी नहीं बदल सकते, और मोटा सा इंसान हो तो और भी मुश्किल हुआ करता है, फिर तबीयत के मुताबिक खाना भी नहीं होता है। लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं अभी सफर पूरा हो जाएगा, 8-10 घंटे ही का तो सफर है ना, 12-14 घंटे का सफर है, अभी मेरा सफर पूरा हो जाएगा, घर पहुंच जाऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खाना मिल जाएगा, राहत मिल जाएगी, है ना। जहां दिमाग और बुनियादी बात यह है कि ये जो अभी जो तरक्कियां हो रही है ना, ये तरक्कियां तो पहले भी नहीं थी। पहले एक सफर के लिए घोड़ों पर, ऊंटों पर जब सफर होते थे तो कई कई दिन लग जाते थे, अब हाल यह है कि तवील तवील मसाफत फ्लाइट से चंद घंटों में, 2-4 घंटों में, 10 घंटों में, 12-14 घंटों में आप अपना सफर पूरा कर लेते। खाने की वो चीजें मुहैया है जो पहले नहीं थी, पीने की वो चीजें मुहैया है जो पहले नहीं थी, लेकिन इन सब का ताल्लुक जिस्म से, इन सब का जिस्म से, कल्ब से नहीं। हकीकत यह है कि किसी भी चीज में लज्जत आती है जब दिलो दिमाग मुतमईन हो। अगर दिलो दिमाग मुतमईन नहीं है, शानदार दस्तरखान सजा हुआ है और बेचैनी दिमाग में है किसी चीज की, तो बताओ बिरयानी में मजा आएगा? बिल्कुल नहीं। कोफ्ता और कबाब में कोई मजा आएगा? दिमाग परेशान है, दिल परेशान है, बेहतरीन बंगला है, बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, लेकिन किसी ने फोन से धमकी दे रखी है कि हम तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, मारने वाले हैं, बताओ हमारे बंगले में सिक्योरिटी गार्ड के होते हुए बेचैनी रहती है या नहीं? परेशान है हम, वजह उसकी क्या है? इसलिए कि दिलो दिमाग का इत्मीनान जो है ना, वो असल इत्मीनान है। इस जिस्म का इत्मीनान कोई इत्मीनान नहीं है, इस जिस्म को इत्मीनान ही तब होगा जब दिल और दिमाग मुतमईन हो, तभी तो जो है हमें सुकून मिलेगा। अब फ्लाइट में आपने जहन बना लिया, आपके दिलो दिमाग में इत्मीनान है कि अभी चंद घंटों में मेरा सफर पूरा हो जाएगा, मैं घर पहुंच जाऊंगा, मुझे आराम से खाना मिल जाएगा, मुझे राहत मिल जाएगी, तो अब इस फ्लाइट के खाने पर भी आपको इत्मीनान रहेगा, इस छोटी सी सीट में भी आपको आराम रहेगा, चूंकि दिमाग और दिल मुतमईन हो चुका है।
ठीक किसी तरह अगर मैं और आप हम ये सोच लें कि ये दुनिया की एक मुख्तसर जिंदगी है, ये मुख्तसर जिंदगी में जिस तरह भी जिंदगी गुजर जाए गनीमत है, इंशाअल्लाह जन्नत मेरे लिए अल्लाह ने तैयार कर रखी है, तो फिर यहाँ के छोटे से मकान में भी राहत, कम खाने पर भी राहत, कम पैसों में भी राहत, मुख्तसर जो है हालात में भी राहत, शर्त यह है कि दिलो दिमाग मुतमईन हो जाए। और अंबियाए किराम की मेहनत इसी दिलो दिमाग के लिए थी, इसलिए फरमाया मन कानत नियतहु तलबुल आखिरत, जिसकी नियत आखिरत, मेरी आखिरत बने, मेरी आखिरत बने। तो नबी अलैहिस्सलाम फरमाते जअलल्लाहु गिनाहु फी कल्बी, अल्लाह उसके दिल को इत्मीनान से भर देगा, बड़ा इत्मीनान उसको, रातों में भी सुकून नींद आ रही है आराम से, वो घबराता नहीं है, हालात में बेचैन नहीं होता है, मुसीबतें आएगी परेशानियां तो आती लेकिन मुतमईन है, अल्लाह की तरफ से है ना, कल निकाल देगा इन दिनों को, बीमारियां अल्लाह की तरफ से है ना, कल अच्छे हो जाएंगे, ये थोड़ा सा माली मसला आया है ना, कल अच्छे हो जाएंगे, कल अल्लाह राहत निकाल देगा, ये थोड़ा सा कर्ज आ गया है अल्लाह सुकून का रास्ता निकाल दे, जअलल्लाहु गिनाअहु फी कल्बी, अल्लाह उसके दिल को इत्मीनान से भर देता है। और क्या करता है वजमअल्लाहु शमलहु, और अल्लाह उसके मुख्तलिफ हालात को इत्मीनान से बदल देता है, उसके हालात जो है उसको इत्मीनान से बदल देता है, उसके दिल को सुकून दे देता है, राहत दे देता है कि फिक्र न कर, गम न कर, हालात तो आते रहते हैं। और जिस आदमी की नीयत आखिरत नहीं है, मन कानत नीयतहु तलबत दुनिया, बस हर वक्त यह है मेरी दुनिया बन जाए, मैं अपने बच्चों को आला कॉलेज में पढ़ाऊं ताकि मेरे बच्चे भी खूब कमाने वाले हो जाए, और मैं ये काम कर लू ताकि और मेरे बच्चों को माल मिल जाए। मन कानत नियतहु तलब दुनिया, जिसकी तलब दुनिया नियत होती है तो नतीजा क्या है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते जअलल्लाहु फक्रहु बैन ऐनैहि, अल्लाह उसकी फकीरी को उसकी पेशानी पर डाल देता है। फकीरी क्या चीज है, फकीरी का माना फकीरी नहीं, फकीरी का माना बेचैनी, अल्लाह उसको बेचैनी डाल देता है, वो बेचैन बेचैन बेचैन, सुकून ही नहीं रहता उसको, नींद नहीं आ रही है, आफियत नहीं है, जिंदगी बेचैन से गुजरती है। क्यों, पहले में और दूसरे में फर्क यह है, कमा तो पहला भी रहा है दूसरा भी, लेकिन पहले ने आखिरत को मकसूद बनाया है, क्या मैं खूब कमा रहा हूं, मेरा कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन अल्लाह भी याद रहे मेरा, मेरे माल में से उसका भी हिस्सा है, मैं नमाजों की पाबंदी करूंगा, मैं अपनी औलादों की तरबियत करूंगा, मैं अपने दीन से गाफिल नहीं रहूंगा, पहला भी कमा रहा है लेकिन तलब, और दूसरा दुनिया ही दुनिया मकसूद बनाई, तलबत दुनिया, जिसकी नीयत ही दुनिया है बस, आखिरत बिल्कुल उसके सामने नहीं, अय्याशी मकसूद है, ऐश परस्ती मकसूद है, और बस यही जीना है मरना है, पूरी कर लो ख्वाहिशात जितनी चाहे, कुछ नहीं, किसने कहा मरने के बाद जिंदा होंगे, अरे ये तो सब मौलवी लोग बोलते रहते हैं दोबारा जिंदा होना, दोबारा जिंदा होना, कुछ नहीं है ये, यही खा लो पी लो, जैसे नॉन मुस्लिम के मसाइल हैं कि उनको आखिरत की कोई फिक्र नहीं है। तो मन कानत नियतहु तलबत दुनिया, जिसकी नीयत तलब दुनिया है, जअलल्लाहु फक्रहु बैन ऐनैहि, उसकी पेशानी पर अल्लाह बेचैनी डाल देता है, वशत्तत शमलहु, और उसके मामलात को परेशान कुन कर देता है। हर वक्त देखो नॉन मुस्लिम को देखो कितने परेशान रहते हैं, परेशान परेशान परेशान, कितनी दौलत होते हुए भी वो परेशान है, अब देख लें उनकी जिंदगी को, कोठियों पे कोठी है, मकानों पे मकानात हैं, कारोबार पे कारोबार चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद परेशान है, क्योंकि मकसद ही इन्होंने दुनिया को बनाया है। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह ताला फरमाते हैं وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله,
हम हिदायत पर नहीं आ सकते थे अगर वो हिदायत न देता। और कैसे हिदायत दी? लकद जात रसूल रब्बिना बिल हक, उसका रसूल आया हक बात को लेकर, उसने हमको बताया और हम इस रास्ते पर चले, जिसके नतीजे में अल्लाह ताला ने हमको जन्नत अता फरमाई। तो हकीकत यह है कि एक महदूद जिंदगी एक आखिरत की जिंदगी है। मोमिन के मद्देनजर आखिरत होती है, ये कपड़े भी अच्छे पहने, ये खाए भी, ये पिए भी, लेकिन इन तमाम में इसकी नजर आखिरत पर है। ये खाना शुरू करे तो बिस्मिल्लाह से शुरू करता है, ये खाना खत्म करे अतामना व सकाना व जालना पर खत्म कर रहा है, ये इस्तिंजा जाए तो खबाइश से पनाह मांगता हुआ, ये निकले तो अपनी इस गंदगी के निकलने पर भी अल्लाह की तारीफ कर रहा है, अज़हबानिल अज़ा व आफानी। ये नए कपड़े पहनता है तो दुआ पल लेता है, ये दूध पीता है अल्लाहुम्मा बारिक लना फीही वजिदना मिन्हू, ये दुआ पल लेता है, ये रात सोता है तो दुआ पढ़ के सोता है और अपनी जात को अल्लाह के हवाले करके सोता है, सुबह उठता है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अहयाना बादमा, ए अल्लाह मैं तो मर चुका था, तूने ही मुझको जिंदा किया और मैं इस शुक्र में तेरी दो रकात अदा कर लेता हूँ, फजर की नमाज को मैं अदा कर लेता हूँ। ये है मोमिनाना जिंदगी, इसको कहते हैं मोमिनाना जिंदगी। अल्लाह मैंने कमाया है, तेरा फरीजा है, मुझे उसमें से अदा करना है, तूने मुझको कहा है कि इसका एक हिस्सा मुझे भी दे देना, हालांकि ये तो सारा मेरा ही दिया हुआ है, अल्लाह कहता है सारा मेरा दिया हुआ है, वमिम्मा रज़क़नाहुम, सब मेरा ही दिया हुआ है, लेकिन मैं तुझसे पूरा नहीं मांगता, उसमें तू भी खाना, तेरे बच्चों को भी खिलाना, तेरी बीवी को भी खिलाना, तेरे कारोबार में भी लगाना और तेरे रिश्तेदारों को भी देना, अपनी जरूरियात में भी खूब इस्तेमाल करना, एक हिस्सा मुझे भी दे देना, और तू जो एक हिस्सा देगा उसके बदले में मैं 100 गुना करके तुझे अता करूंगा, 100 गुना। जक्का युजक्की तस्कियतन का मना पाक करना भी होता है कि अल्लाह जक़ात से माल को पाक कर देता है, जक़ा यस्कू से भी जक़ात है, यानी बरना, जब इंसान जक़ात देता है तो जाहिरन कम हुआ, अल्लाह अंदर में भरा देता है, ज्यादा कर देता है। हमारे शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का मलफूज, मैंने मेरे अकाबिर से बराह रास्त सुना, इन कानों से हजरत मौलाना तकीउद्दीन साहब नदवी दामत बरकातुहुम से सुना, हजरत मौलाना अबरार साहब थुलियवी अलैहि रहमा से सुना, जो शाह वसीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के खुलफा हैं, मैंने खुद अपने इन कानों से सुना। शाह वसीउल्लाह साहब फरमाया करते थे, अल्लाह की जात इतनी गैरतमंद है कि तुम उसको एक पैसा दो, एक पैसा, फरमाया उस रब को चैन नहीं पड़ता जब तक कि तुम्हें 100 गुना न दे दे, उस रब को चैन नहीं पड़ता जब तक कि तुमको 100 गुना न दे दे, तुमने एक पैसा उसके रास्ते में खर्च किया। और फरमाया ये दुनिया का मसला है, आखिरत में सवाब और देगा वो, ये उसकी ज़ात वाहदहु ला शरीक लहू है कि जो मोमिनाना शान के साथ जिंदगी गुजारता है अल्लाह उसको बहुत देता है। तो ये मोमिनाना जिंदगी है, इस जिंदगी को हमें आखिरत के लिए जो अल्लाह ताला ने बनाया हमें आखिरत के लिए, तो वह भी आखिरत हम योकिनून, ये मोमिन की शान है कि आखिरत पर पूरा यकीन रखता है। और काफिरों का शान क्या है? बल इद्दारक इल्महुम फिल आखिरा बल हम फी शक मिन्हा। एक जगह कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया कि क्या मुजरिमीन और मोहसिनीन बराबर हो सकती है, हो सकते हैं? कैफ तहकुमून, अरे तुम कैसे फैसले कर रहे हो? दुनिया में तो सब बराबर नजर आते हैं लेकिन आखिरत में सब बराबर नहीं होंगे। हम अपने मोमिनों को जो मकाम देने वाले हैं वो हमारा मकाम बहुत अजीब होगा, जो जन्नत की शक्ल में होगा, जो नेमतों की शक्ल में होगा। अफनजअल मुस्लिमीन कल मुजरिमीन मालकुम कैफ तहकुमून, कैसे फैसले करते हो? लेकिन उसके लिए अगर दोबारा जो है जिंदा होना है, दोबारा नेमतें पाना है, तो अपने आप को मारना पड़ेगा। मारने का क्या मतलब है? अपने नफ्स को दबाना पड़ेगा। नफ्स बहुत चाहता है, अंदर से मचलता है, कुछ अय्याशी कर लें, कुछ अपने माल में इसराफ कर लें, कुछ फजूल खर्ची कर लें और कुछ गंदे रास्तों पर माल को बहा दें, अंदर से
नफ्स परेशान रहता है, उसको मारना पड़ेगा। अल्लामा रूमी की एक मिसाल मुझे याद आई कि एक साहब जो है काबुल से दिल्ली आ रहे थे, मिसाल है एग्जाम्पल है, काबुल से दिल्ली आ रहे थे तो उसके घर में चंद तोते पाले थे, बर्ड थे, चंद तोते पाल रखे थे उसने, पैरोत थे, चंद पाले हुए घर में। तो उन पैरोत ने इस मालिक से यूं कहा कि तुम दिल्ली जा रहे हो तो जरा दिल्ली में उड़ने वाले पैरोत और बर्ड से कह देना कि तुम आजाद फिर रहे हो और तुम्हारे भाई पिंजरों में बंद पड़े हैं, तुम्हें फिक्र नहीं है कि हम यहां पिंजरों में बंद पड़े हैं और तुम आजाद उड़ रहे हो। तो ये साहब दिल्ली आए और दरख्तों के ऊपर जो पैरोत और बर्ड्स वगैरह बैठे हुए थे उनसे कहा कि तुम्हारे साथियों ने यह पैगाम कहलवाया है कि तुम आजाद फिर रहे हो और तुम्हें फिक्र नहीं है कि तुम्हारे कितने साथी ये पिंजरों में बंद पड़े हुए। तो जैसे ये बात कही तो वो परिंदे गिरने लगे, मरने लगे, यानी उन पर असर हुआ इस बात का कि अल्लाह अकबर हमारे रुफका इस तरह है, तो वो मरने लगे। इस आदमी ने जाकर अपने घर में पले हुए जो पैरोट्स और जो पोपट थे, जो थे तोते, उनसे जाकर कहा कि मैंने उनसे कहा तो असर इतना हुआ कि वो मरने लगे, तो ये जो पिंजरों में थे वो भी मरने लगे, गोया कि वो मर रहे हैं, गर्दनें झुका दी उन्होंने। तो मालिक समझा कि ये तो सब मर गए, अब इनके ऊपर असर पड़ गया, जैसे उनके ऊपर असर पड़ा इन पर भी पड़ा, तो अब इनको निकाल निकाल करके बाहर फेंकने लगा। बाहर डालता था तो वो उड़ उड़ कर भाग रहे थे। अल्लामा रूमी इसको नकल करने के बाद फरमाते हैं कि वो पैरोत ये सबक दे गए कि जीना हो तो मर कर दिखाओ, जीना हो तो मर कर दिखाओ। अल्लामा रूमी कहते हैं नफ्स को मारो फिर हयात तय्यबा अल्लाह अता करेगा, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, फिर वो पाकीज़ा जिंदगी इस दुनिया में भी अता करेगा कि दिल सुकून से भरा हुआ होगा। फिर मुसीबत में, बीमारियों में, हालात में, परेशानियों में, गमियों में कभी बेचैनी नहीं आएगी। फरमाया पहले नफ्स को मारो तो फिर हयात तय्यबा नसीब होगी। فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبًا, कुरान कह रहा है, ये अल्लाह ताला खुद कुरान में कहता है, وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, जो आमाल सालिहा करे, शर्त ये है कि ईमान हो, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, हम उनको पाकीज़ा जिंदगी अता करेंगे, राहत वाली जिंदगी अता करेंगे, सुकून वाली जिंदगी अता करेंगे। और हमारे अल्लामा इब्ने जौज़ी ने तो एक इरशाद में यूं फरमाया कि फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा का मतलब यह है कि लोगों के डराने से उसके दिल पर कोई खौफ पैदा नहीं होगा, लोग डराएंगे उसको, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फला हो जाएगा। फरमाया बड़ी से बड़ी बीमारी में लोग डराएंगे तो वो यूं कहेगा अल्लाह ही शिफा देने वाला है। ये है फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा। अल्लाह ताला हम तमाम को अपने रब वाली जिंदगी नसीब फरमाए। दुनिया कमाने से कोई मना नहीं करता, दुनिया है, जरूरत की चीजें हैं, इंसान कमाए, लेकिन इस दुनिया में इसलिए कि फरिश्ते बनकर के अल्लाह ने हमको नहीं भेजे हैं कि जिनको खाने पीने की जरूरत नहीं है, फरिश्तों को खाने पीने की कोई जरूरत नहीं, इसलिए उनको कमाने की भी जरूरत नहीं। भाई हमारे साथ तो अहलो अयाल है, बीवी बच्चे हैं, मसाइल हैं, दुनिया है, कारोबार है, जिंदगी है, तो गुजारना है। इसीलिए बुजुर्गों ने फरमाया कि जो इंसान कांटे पर नहीं चलता और फिर कहता है मुझे कांटा नहीं लगा तो कमाल नहीं है, कांटे पर चले और कांटा न लगे ये कमाल है। तो दुनिया में रह कर के हम गंदगी की तरफ न जाएं ये कमाल है। तो दौलत अपनी जगह है लेकिन रब वाली जिंदगी हो जाए, अल्लाह ताला हम सबको रब वाली जिंदगी नसीब फरमाए, अल्लाह वाली जिंदगी नसीब फरमाए। और गैर अल्लाह की तरफ यकीन करने से और जो है आखिरत से बेफिक्र बनने से अल्लाह ताला हम सबकी हिफाजत फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि नबी करीम सुभानल्लाह बिहम्दिही सुभानकल्लाहुम्मा वबिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।